नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया त्रस्त है और लगभग दुनिया की अनेकों चीजें, बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारे दुकान, इंस्टीट्यूशंस, लगभग हर चीज अभी के डेट में बंद है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, इस कारण से लगभग 2 से 2.5 महीनों से सभी इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, जिसके कारण मैं आज से आपको ऑनलाइन क्लास देने जा रहा हूं। दोस्त, आज हम लोग चर्चा करेंगे 10th चैप्टर के बारे में। जो भी हमारे 350+ 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर में 12th का फाइनल एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। दोस्त, आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे टेंस, इसका हिंदी होता है काल। दोस्त, टेंस 12th के फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का रहता है, यानी 5 नंबर। अगर आप टेंस अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो 5 नंबर आप टेंस के माध्यम से ला सकते हैं। लेकिन इस 5 नंबर को लाने के लिए टेंस के साथ आपको स्पेशल रूल का 50 और स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ेगा, यानी टेंस प्लस स्पेशल रूल दोनों अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो फिर आप ये 5 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, टेंस का 12th के सिलेबस में बहुत ज्यादा योगदान है, यानी अगर आपका टेंस वीक है तो फिर आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका टेंस वीक है तो आप वॉइस अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं, नाइरेशन में आपको दिक्कत होगा, टाइम एंड टेंस में दिक्कत होगा, सिंटैक्स में दिक्कत होगा, प्रीपोजिशन में दिक्कत होगा, यानी एक टेंस आपका वीक होता है तो ये जो भी मैंने नाम बोला, इन सभी में आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से मैं जो बताऊंगा आपको टेंस के बारे में, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि इसके बाद जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्त, टेंस का हिंदी होता है काल और इसका डिफिनेशन होता है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोस्त, टेंस के 3 भाग होते हैं, यानी देयर, आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भाग होते हैं, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। दोस्त, टेंस का हिंदी होता है काल, इसमें समय का बोध होता है, यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जिंदगी में जो भी कार्य होता है, यानी इस धरती पे जो भी कार्य होता है वो 3 भागों में ही होता है, यानी 3 ही टाइम में होता है। एक, या तो वर्तमान में अभी हो रहा है, नंबर 2 या तो बीत चुका है, नंबर 3 या फिर वो आने वाला है। दोस्त, यहां प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल। यानी आप समझें तो टेंस का हिंदी काल टेंस के 3 बेटे, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस हिंदी वर्तमान काल, नंबर 2 पास्ट टेंस भूतकाल, एंड द लास्ट नंबर 3 फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। दोस्त, टेंस का टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी को 3 चीज के बारे में जानना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर ये 3 चीज नहीं मालूम है तो फिर एक भी ट्रांसलेशन हमसे बनने वाला नहीं है। जैसा कि वो 3 चीज कौन कौन है, थोड़ा केयर करेंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जिन छात्रों को भी सब्जेक्ट पहचानने नहीं आता है, ऑब्जेक्ट पहचानने नहीं है, वर्ब पहचानने नहीं है, तो फिर उनसे टेंस का एक भी ट्रांसलेशन बनने वाला नहीं है। तो सबसे
पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, और ठीक नीचे मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रांसलेशन को बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप स्ट्रक्चर का फॉलो कीजिएगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब एक या वर्ब पांच का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, और लास्ट में चुनना है ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे किसके साथ वर्ब एक होगा या वर्ब पांच होगा, ये तो सेकेंडरी मैटर है, वर्ब एक होगा वर्ब पांच होगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस में क्या वर्ब है, प्लस कैसे पहचानेंगे क्या ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें तीन चीज पे क्लियर करना है, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका और वर्ब पहचानने का तरीका। तो दोस्त, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं सब्जेक्ट पहचानने का तरीका। ऐसे हम लोग सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बचपन से ही पढ़े हुए हैं, बहुत लोग आसानी से पहचान लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको आज भी दिक्कत है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं, 95% केस में ऐसा होता है कि जो वाक्य में सबसे शुरू में आए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी अभी आपके सामने एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक बात बताइए इस वाक्य में सबसे शुरुआत में क्या है, मैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मोहन यहां आ रहा है, सबसे शुरू में क्या है, मोहन, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। सीता जा रही है, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, सीता, तो सब्जेक्ट सीता। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, सबसे शुरू में वे लोग। यानी 95% केस में ऐसा होता है कि जो सबसे शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। एक नंबर चीज, प्लस नियमानुसार वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी द पर्सन हु डज एनी टाइप ऑफ वर्क इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं, खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, काम कौन कर रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। तो ये एक डिफिनेशन है कि जो वाक्य में कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन इस परिभाषा के साथ साथ एक ट्रिक और है कि अगर जो सबसे शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट, उसे भी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका है सबसे शुरू वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, सबसे स्टार्टिंग में आया मैं, इसलिए मैं सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। दोस्त, ऑब्जेक्ट से पहले हम जानते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब जानने के बाद तब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। दोस्त, वर्ब पहचानने का भी एक तरीका है, सबसे सटीक तरीका है वर्ब पहचानने का कि वर्ब के अंत में हमेशा ना आता है, जैसे जाना, आना, लिखना, बोलना, खेलना, कूदना, नाचना, सोना, जगना, ये सभी वर्ब है। अंत में अगर ना आए तो वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें क्रिकेट, क्रिकेट वर्ब है या नहीं है, तो क्रिकेट में अगर ना जुड़ेंगे तो होगा क्रिकेटना, क्रिकेटना होता है, नहीं होता है, इसलिए क्रिकेटना क्रिकेट वर्ब नहीं है। अगर मान लीजिए हम कहें कुर्सी, कुर्सी में अगर ना जुड़ते हैं तो हो जाएगा कुर्सीना, कुर्सीना भी नहीं होता है। हम कहें घड़ी, घड़ी वर्ब है, नहीं, क्योंकि घड़ी में ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा घड़ीना, घड़ीना भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर लास्ट में ना जोड़ते हैं, ना जोड़ने के बाद अगर एक सटीक लगे, लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो चीज वर्ब है। जैसे जाना, आना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना, ये वर्ब है। अब मान लीजिए हम आपको कहें मोबाइल, मोबाइल वर्ब है, उसमें ना जोड़ेंगे मोबाइल ना, ना ऐसा तो होता ही नहीं है, तो मोबाइल वर्ब नहीं। दूध वर्ब है, नहीं है, दूधना नहीं हो सकता है। तो यानी अगर अंत में ना आए, ना जुड़े, अगर एक सुटेबल शब्द बने तो वो वर्ब है, सुटेबल नहीं बने तो वर्ब नहीं है। इसलिए एक बात बताइए यहां पे, अभी थोड़ा देर पहले हम बताया कि जो सबसे शुरू में आए यानी जो वाक्य में कार्य करे उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। द पर्सन हु डज एनी टाइप ऑफ वर्क इन अ सेंटेंस
दैट वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं को इंग्लिश में आई। अब यहां पे दो चीज बचता है, एक क्रिकेट और दूसरा खेलना। अब एक बात बताइए, क्रिकेट में ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्रिकेट ना, संभव नहीं है, लेकिन खेल का खेलना हो जाएगा। तो खेलना होता है और वर्ब हमेशा अंत से थोड़ा सा पहले ही रहता है। ट्रिक नंबर एक ना जोड़ के चेक करेंगे, ट्रिक नंबर दो मैक्सिमम केस में वर्ब अंत से थोड़ा सा पहले रहता है, इसलिए क्रिकेट वर्ब नहीं है, वर्ब है खेलना। तो ये आपका हो गया वर्ब। अब हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फल का मतलब आम सेब ये सब चीज पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का भी एक सटीक तरीका देते हैं, यानी उसे आप खुद से आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा इंजेक्शन देना है, जैसे मैंने अभी बताया कि भर पहचानने के लिए भी एक छोटा सा इंजेक्शन देना है। अंत में ना जुड़ेंगे, सुटेबल होगा तो वर्ब है, सुटेबल नहीं होगा तो वर्ब नहीं। उसी तरह हम ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए भी आपको एक छोटा सा इंजेक्शन देंगे। उस इंजेक्शन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ये वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, खुद से एक इंजेक्शन मारेंगे, मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट। तो जो मुंह से निकल जाए एक इंजेक्शन मारेंगे क्या क्यों का, और जैसे मुंह से निकलेगा वो बेचारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं? तो क्रिकेट। तो ये क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं कहूंगी मैं कलम खरीदता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? मैं कलम खरीदता हूं, तो मैं क्या खरीदता हूं? कलम। कलम हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम कहें कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? एक इंजेक्शन मारे, कहां जा रहे हैं? तो बाजार जा रहे हैं। तो बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं कि मैं मोबाइल से बात करता हूं, मैं किससे बात करता हूं? तो मोबाइल से। एक इंजेक्शन देंगे, खुद से ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। मैं कलम से लिखता हूं, मैं किससे लिखता हूं? तो कलम से। यानी अपने आप ही हम आसानी से ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां मैंने तीन चीज पे आपसे बात किया, नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू ऑब्जेक्ट एंड लास्ट नंबर थ्री वर्ब। मैंने बताया कि जो सबसे शुरू में आए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला 95% केस में ही सही होता है, 5% में कहीं कहीं गड़बड़ होता है। वो 5% कहां गड़बड़ होता है इसके बारे में मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। मैंने उसके बाद बताया भर पहचानने का तरीका, भर हमेशा यानी अंतिम से थोड़ा सा पहले रहता है, और भर पहचानने का दूसरा तरीका अंतिम से थोड़ा सा पहले भर है। दूसरा फॉर्मूला ना जोड़ के चेक कर लेंगे, अगर सुटेबल होगा तो वर्ब है, सुटेबल नहीं होगा तो वर्ब नहीं। तीसरा ऑब्जेक्ट, जिस पे क्रिया का फल पड़े, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या, क्यों, कहां, कैसे। ये कंपनी का जैसे इंजेक्शन देंगे ये बेचारा अपने आप मुंह से फेंक देगा कि ये ऑब्जेक्ट है। मैं पानी पीता हूं, मैं क्या पीता हूं? तो पानी पीता हूं। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब मैंने बताया। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब 5 ACIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप आसानी से इस ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले चुनना है सब्जेक्ट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया, कैसे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, तो जो सबसे शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सबसे आसान तरीका है, 95% केस में ये फॉर्मूला सही होता है सब्जेक्ट वर्ब। तो सबसे पहले चुनेंगे सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, ठीक है, तो मैं को इंग्लिश में आई, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब 1 या वर्ब 5। अब देखिए वर्ब 5 आने तो आ गए, अब दो ही बचा, एक बचा क्रिकेट और दूसरा बचा खेलना। तो दोनों में वर्ब क्या है? क्रिकेट है कि खेलना? खेलना वर्ब है, क्योंकि खेलना के अंत में ना। लेकिन यहां एक बड़ा लफड़ा है कि अब वर्ब 1 होगा कि वर्ब 5 होगा, ये भी बात जानना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला है जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। उसके बाद चुनना है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो क्रिकेट हो गया। चलिए हम आपके सामने एक दूसरा सेंटेंस देते हैं, राधा किताब पढ़ती है। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि
ये पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तो राधा सबसे शुरू में है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। चलिए उसके बाद पूछते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को पहले छोड़िए, पहले जानते हैं कि वर्ब क्या है। तो राधा किताब पढ़ती है, तो वर्ब पहचानने का तरीका कि वर्ब हमेशा अंतिम से थोड़ा सा पहले, तो ये पढ़ना हो गया वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो छांट माट बच जाए उसको भी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी जब दो चीज आप चुन लीजिएगा तो ये बेचारा ऑब्जेक्ट खुद से कहेगा कि हम ऑब्जेक्ट हैं। राधा किताब पढ़ती है, राधा क्या पढ़ती है? तो किताब। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी टेक द थर्ड एग्जांपल, तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा मैं लिखता हूं, तुम अंग्रेजी बोलते हो। फ्रेंड्स फर्स्टली वी हैव टू चूज सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट चुनना है। व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्यों? क्योंकि शुरू में है, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। चलिए नंबर टू, वी हैव टू चूज वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? अंग्रेजी की बोलना, अंग्रेजी में जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा अंग्रेजी ना, जो कि होगा नहीं। बोलना, क्योंकि ये अन से पहले भी है और ना लगाएंगे तो बोलना होता भी है, इस कारण से बोलना हो गया वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जिसपे क्रिया का फल पड़े। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्या बोलते हो? तो अंग्रेजी। ये बेचारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये तीन चीज हम पहचान लिए, पूरे टेंस चैप्टर में कहीं भी किसी भी ट्रांसलेशन में दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि टेंस का, टेंस के तीन बेटे, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। Everyone, firstly, we will have to talk about present tense. सबसे पहले हम लोगों को present tense के बारे में बात करना है, and after present tense, I shall discuss about past tense, and in the last, I will discuss about future tense. So friends, firstly, I have to discuss about present tense. सबसे पहले मुझे present tense के बारे में discuss करना है। What is present tense? Present tense है क्या? और एक बात यहां पे जानना है कि टेंस के तीन बेटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन इन तीनों के भी बेटे हैं, चार चार बेटे। प्रेजेंट टेंस के भी चार बेटे, पास्ट के भी चार बेटे और फ्यूचर के भी चार बेटे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए सबसे हेडिंग में लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दोस्तों मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट टेंस के भी चार बेटे, पास्ट के भी चार और फ्यूचर के भी चार। यानी देखा जाए तो टेंस के 12 पोते हैं, पोते हैं। यानी टेंस का बेटा 3 को, अब पोता 12। यानी कौन कौन? तो देखिए पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जाना जाता है। यानी पहला है सिंपल प्रेजेंट, इसको एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी सियारा हुए है, पोछड़म हुई है, बेचारे इसके बाबूजी जो है प्रेजेंट टेंस, इसका दुगुना नाम रहती है। जिस तरीके का हम लोग अभी दुगुना नाम रहता है, चिंटू पिंटू, घर का नाम चिंटू, बाहर का नाम पिंटू, किसी किसी का तो तीन गो नाम रहता है, चिंटू पिंटू मिंटू। यानी आदमी एक ही है, नाम तीन है, उसी तरह बेचारा आदमी एक ही है, नाम इसका दो है। यानी इसके पिताजी इसका दो नाम रखे, निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस का दुलरुआ बेटा है। तो पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्त ये दोनों नाम मार्केट में बहुत चर्चित है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी खूब सुनने को मिलता है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सुनने को खूब मिलता है। प्रेजेंट टेंस का दूसरा बेटा है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका तीसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी याद ध्यान दीजिए, पहले का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस, का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस बेचारे का तीन नाम है। अभी अभी मैंने बताया कि इस यारा हुए है पूंछ रंग हुई है, बेचारा तो तीन जगह पूंछ रंग हुई है, यानी इसके पिताजी इसका तीन वो नाम रखे। लेकिन इसका मार्केट में सबसे चर्चित नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोनों नाम काफी कम सुनने को मिलता है, लेकिन नाम है। तीन नंबर में बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चार नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्त, ये प्रेजेंट टेंस के चारों बेटे हैं, उसी तरह पास्ट के भी चार बेटे हैं, फ्यूचर के भी चार बेटे हैं। यानी टेंस का टोटल 12 रूप होता है, यानी चारों का बाप है प्रेजेंट टेंस, और चारों के बाबा जी का नाम है टेंस। कोई दिक्कत दोस्त? अब हम एक एक करके बात करेंगे। अब जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। लेकिन दोस्त, इस जानने से पहले एक चीज पे ध्यान रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांसलेशन है, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एक छोटा सा ट्रांसलेशन लिखता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है दोस्त? इस ट्रांसलेशन को हम 6 एंगल से घुमा सकते हैं, यानी 6 प्रकार से इधर उधर करके घुमा सकते हैं, इसका सातवां प्रकार नहीं। जैसे अगर हम घुमाना चाहें तो कौन कौन है तो थोड़ा ध्यान देंगे। अगर इसको हम घुमाते हैं तो एक हो जाएगा एकदम सिंपल, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सेकेंड एंगल से इसको देखेंगे तो ये बनेगा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तीन में देखेंगे तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। चार में हो जाएगा क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। पांच में होगा मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं। लास्ट 6 नंबर में मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। यानी दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बने, हम ज्यादा से ज्यादा 6 प्रकार से ही घुमा सकते हैं। इसके अलावा आप इस सेंटेंस को किसी सातवें आठवें प्रकार से नहीं घुमा सकते, यानी ये 6 ही प्रकार है। अब जानेंगे कि सबको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कौन है मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सेकेंड वाले को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीन नंबर वाले को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, हा
ना याद ना प्रश्न। चार नंबर को यशनु प्लस निगेटिव सेंटेंस, हाँ या ना प्लस नकारात्मक वाक्य। पांच नंबर वाले को बोलेंगे डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, यानी डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन। प्रश्नात्मक प्रश्न एंड द लास्ट नंबर सिक्स डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक हुआ। दोस्त मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप सभी को बताया कि दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन है हम ज्यादा से ज्यादा छह प्रकार से ही घुमा सकते हैं, छह प्रकार से ही बोल सकते हैं, सातवां प्रकार नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा एग्जांपल रखा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, चलिए इसको घुमाते हैं दूसरे एंगल से, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता। यानी पहला था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, देखिए ये वाक्य ये जो सेंटेंस है पहला बिल्कुल सीधा है, मैं जा रहा हूं वह आ रही है, हम लोग बोल रहे हैं, तुम नाच रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सीधा है। तो इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। सेकंड देखा जाए तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यानी सब चीज ऊपर वाले जैसा है, एक नया बेचारा एंट्री मारा है नहीं, तो न से नहीं और न से निगेटिव, यानी किसी भी बात में आप नहीं जब लगा दीजिएगा ना तो होता है कि वो बात नकारात्मक है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं। यानी जब नहीं एंट्री मार दिया तो न से नहीं न से निगेटिव, यानी निगेटिव का मतलब नकारात्मक, सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि तुम लोग बाजार जाते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव है? एफर्मेटिव है क्योंकि तुम लोग बाजार जाते हो। लेकिन अगर हम कहें तुम लोग बाजार नहीं जाते, देखिए इस वाक्य में नहीं एंट्री मारा, तो इस कारण से ये हो गया निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। उसी तरह तीन नंबर देखते हैं, तीन नंबर में है यस नो क्वेश्चन, हाँ या ना प्रश्न। यहां देखिए तीन नंबर, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी यस का मतलब होता है हाँ, यस मतलब हाँ, नो मतलब ना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, क्लियर? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? अब इस बेचारे तीन नंबर का नाम यस नो क्वेश्चन ही क्यों पड़ा, इसके बारे में भी चर्चा जरूरी है, या फिर इसको यस नो क्वेश्चन के नाम से ही क्यों जाना जाता है? तो दोस्त जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में आप क्या लगाते हैं तो उसका जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है। जैसे अगर हम कहें कि आप पागल हैं तो आप क्या बोलिएगा? ना। हम कहें कि आप विद्यार्थी हैं तो यस, कि आप लड़की हैं तो यस, अगर हम कहें कि आप चोर हैं तो नो, कि आप नेता हैं यस। तो यानी जब शुरू में क्या लगाइएगा ना तो जवाब या तो हाँ होगा नहीं तो ना होगा, यानी आप उसको दूसरे लंबा चमड़ा स्टाइल में नहीं बोल सकते। अगर हम कहें कि आप पागल हैं तो ना, पहले पागल रहनी फिर बाद में ठीक हो गई नहीं फिर पागल रहनी है, कि आप पागल हैं यस या नो, तनु। तो कहने का मतलब है इसलिए इस बेचारे का नाम पड़ा यस नो क्वेश्चन। अगर हम कहें कि क्या आप काले हैं तो काले हैं तो बोलिए यस, नहीं है तो बोलिए नो। अभी नहीं बोलेंगे कि ना पहले गोरे थे फिर काले हो गए फिर गोरे थे फिर काले हो गए, इस ऐसे आप बात नहीं कर सकते। यानी जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हो तो समझ जाइए यह यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि जब शुरू में क्या लग गया तो जवाब या तो हाँ या तो ना, इसलिए इस बेचारे का नाम पड़ा यस नो क्वेश्चन यानी हाँ या ना प्रश्न। चार नंबर देखते यानी तीन के शुरू में लगा क्या, चार नंबर में है यस नो प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या लग गया शुरू में, तो यस नो हो गया और नहीं आया, जिसके कारण ये क्या हो गया निगेटिव हो गया,
यानी इसमें है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तभी मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या जैसा शब्द आए तो उसको यस नो क्वेश्चन का वाक्य कहा जाता है। लेकिन अगर उसी वाक्य में नहीं भी रहे तो इसको यस नो के साथ साथ यस नो प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसमें क्या भी है और नहीं भी। आगे आते हैं पांच नंबर में, करेक्ट मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए इसमें बीच में एंट्री मारा है क्यों, क्या एंट्री मारा है क्यों, यानी डब्ल्यू एच वर्ड। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, क्यों, व्हाई, कहां, वेयर, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट। यानी दोस्त इस पांचों को डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से यहां नीचे ध्यान से देखिएगा, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या। इसके अलावा भी कुछ चार और खुदरिया है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मेन में ये पांचों होता है। इसका पहचानने का तरीका है ना कि ये देखिए इसमें भी क्या है, देख रहे हैं। अब आप कहिएगा कि फिर कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जानिए जब वाक्य के शुरू में क्या है क्या है तो यस नो क्वेश्चन है, जवाब या तो हम होगा या फिर ना होगा। लेकिन अगर ये पांचों पटदार में से, देखिए टोटल पांचों पटदार है, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, अगर ये पांचों पटदार में से वाक्य के बीच में एंट्री मारे, कहां मारे, वाक्य के बीच में, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। जैसे मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, एक बात बताइए इसमें क्यों है, कहां एंट्री मारा है, बीच में एंट्री मारा है, यानी अभी इसका मतलब हो गया डब्ल्यू एच वर्ड यानी प्रश्नात्मक प्रश्न, यानी इसका जवाब आप एक यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अब इसका जवाब चल जाएगा लंबा चौड़ा में, यानी इसका जवाब होगा सब्जेक्टिव में। जैसे कहने का मतलब है मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, इसमें क्यों एंट्री मारा, कहां मारा, वाक्य के बीच में मारा। जैसे पांचों में से कोई डाल सकते हैं, मैं कहां जाता हूं, इसमें क्या है, बीच में, कहां, तो ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड। उस तरह से अगर हम कहें कि आपके पिताजी का क्या नाम है, अब मान लीजिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप कहिएगा हाँ ना, ऐसे होगा, क्योंकि क्या तो आया लेकिन क्या कहा है, आपके पिताजी का क्या नाम है या आपका क्या नाम है। मान लीजिए अगर हम कहें कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, बताइए इसमें भी क्या है, लेकिन क्या कहां है, वाक्य के बीच में आया, कहां है, वाक्य के बीच में आया। तो जब भी बोले ना कि पांचों पटदार में से कोनो एक हो वाक्य के बीच में एंट्री मारे, तो इसको डब्ल्यू एच वर्ड का इक्वेशन कहा जाता है, यानी इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा आपका क्या नाम है, तो राहुल कुमार। अगर यहां आप कहिएगा कि आपका क्या नाम है, तो हाँ, आपका क्या नाम है, तो ना, पिताजी का क्या नाम है, तो हाँ, तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि यस्नो के शुरू में क्या आता है, अगर इस पांचों में से कोई बीच में एंट्री मारे तो इसको डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में जानकारी हो गया, तो पहले जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ने के बाद पहले बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद निगेटिव के बारे में, फिर यस्नो के बारे में, उसके बाद यस्नो प्लस नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एच वर्ड, अब लास्ट में बात करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्त एक बात ध्यान रखना है, जब भी यस्नो या यस्नो प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव का वाक्य रहे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे एक बात ध्यान देना है, देखिएगा यहाँ पे हम छह सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन छह में पहले के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, दूसरे के अंत में भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन तीसरे के अंत में क्वेश्चन मार्क है, चार नंबर के अंत में भी क्वेश्चन मार्क है, पांच के अंत में भी है, छह नंबर के अंत में भी है। यानी अगर आपका प्रश्न एफर्मेटिव हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप नहीं देंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, लेकिन यस्नो हो, यस्नो प्लस नेगेटिव हो, डब्ल्यू एच वर्ड हो या डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव हो, तो इन द लास्ट यू हैव टू गिव अ क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। एवरीवन इफ यू डोंट गिव क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, सपोज योर सेंटेंस इज यस्नो क्वेश्चन बट इन द लास्ट यू आर यूजिंग फुल स्टॉप, देन आई थिंक योर सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग। सो जस्ट क्लियर, इफ इन
a starting chant, kya word will come, then you have to think that this is yes no question. And if in the middle, kab, kyun, kahan, kaise, kya, this type of words will come, then you have to clear that this is WH what a question. Okay, and you have to clear that if your sentence will be yes no question, yes no plus negative, WH what plus negative, you have to clear one matter that in the last form what may, in the last you have to give a question mark. If you don't use question mark in the last, then friends your sentence will be totally wrong. So abhi maine bataya ki affirmative negative mein aap question mark nahi denge, lekin isme denge. Ye necessary hai. Agar aap translation banate hain. अगर कोई ट्रांसलेशन है यस नो क्वेश्चन का, ट्रांसलेशन आपने सही बनाया लेकिन लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, तो फिर आपका गया, कोई बचाने वाला नहीं है. लेकिन ये लिखते समय ही दिया जाता है, बोलते समय इसको यूज नहीं किया जाता है. बोलते समय आप यूज करेंगे तो फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इस पर ध्यान रखना है कि लिखते समय ही दिया जाता है, बोलते समय ना क्वेश्चन मार्क का ना फुल स्टॉप का इसका यूज नहीं होता है ना. कहानी होगा व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, द माय नेम इज फर्मा कुमार फुल स्टॉप, दिक्कत हो जाएगा. व्हाट इज योर फादर्स नेम क्वेश्चन मार्क, द माय फादर्स नेम इज फर्मा प्रसाद फुल स्टॉप. तो यार यहां भी ध्यान रखो कम से कम कि बोलते समय इसका यूज नहीं होगा, लिखते समय इसका यूज करना है. चलिए दोस्तों, हम इसके बाद चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. लेकिन ये चर्चा हम लोग कल करेंगे, इसलिए कि आज पहला क्लास था और मैं अभी काफी हरासमेंट फील कर रहा हूं, प्रैक्टिस छूट गया ढाई महीना से. तो कल हम चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट की डेफिनेट टेंस क्या है, दोनों एक ही है, बताएं थोड़ा देर पहले. और तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें. धन्यवाद, थैंक यू.